नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अति बना तो सिर्फ तीन शब्दों का है, लेकिन है ये शब्द बहुत भारी। अति शब्द से तीन बार के मुख्यमंत्री का चौथी बार बन पाना असंभव हो गया, तो 15 साल की हुकूमत भी धराशायी हो गई। अति की ताकत कितनी ज्यादा है कि तीन बार सत्तासीन पार्टी महज 15 के आंकड़े पर सिमट जाती है। अभी कोई उपमा नहीं दे रहे हम, बल्कि अब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास में महज फासला तो तीन शब्दों का है, लेकिन उस तीन शब्द के अंतर को न समझ पाने का अंजाम सियासी नजरिए से कितना खौफनाक हो जाता है, अब तो यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि हम किन के बारे में और किन दलों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। फिर भी कुछ बातों को समझाने के लिए हमें आपको बतलाना पड़ेगा कि आखिरकार आज हम आत्मविश्वास और विश्वास पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल वजह यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी हार के लिए बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आज उसी कॉन्फिडेंस पर मंत्री अमरजीत भगत ने भी तंज कस दिया, तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी अस्वीकार किया कि अति शब्द भारी पड़ जाता है। चुनाव करीब है और ऐसे हालात में एक बार फिर से विश्वास और अति आत्मविश्वास को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो क्या मान लिया जाए कि अब जब 2023 का सियासी बिगुल बजेगा तो बीजेपी उस शब्द को पीछे छोड़ देगी? क्या इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इससे चार्ज हो पाएंगे? इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अति से तौबा। इस कार्यक्रम की शुरुआत के पहले सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर। अति उत्साह या एडवांस में नहीं हारे, उनका कर्म ले डूबा। जमीन में सड़क बनाना था तो आसमान में स्काई वॉक बनाने गए थे, वो उनको ले डूबा। जनता के आंखों में खूब धूल झोंका, बोले कि डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल निकलेगा, बाड़ी से डीजल, बाड़ी से लोग खोज देखे, एक बूंद नहीं निकला, वो उनको ले डूबा। भू अधिग्रहण अधिनियम में परिवर्तन लाने का जो उनका कोशिश था आदिवासियों का जमीन छीनने का, वो उनको ले डूबा। देखिए, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता नहीं है और विश्वास रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। और हम सब मिल के काम करेंगे तो आज जो वातावरण बनता जा रहा है उसका फायदा मिलेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा अमरजीत भगत ने और इसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किस तरह से दिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं इनका। हमारे साथ देवलाल ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले मैं राम अवतार जी के पास चलता हूं। राम अवतार जी, बीजेपी की हार का कारण आप क्या मानते हैं? केवल अति आत्मविश्वास के कारण 15 साल की पार्टी इसी तरह से खत्म हो गई, केवल 15 सीटों पर सिमट गई, और वो भी 4 साल बाद याद आ रहा है राम अवतार जी कि हम आत्मविश्वास बहुत ज्यादा अति आत्मविश्वास के कारण हारे। उस समय पता नहीं चल पा रहा था, जनता की नब्ज नहीं टटोल पाए, आज 4 साल बाद जाग रहे हैं कि अति आत्मविश्वास हो गया था इसलिए हम हार गए। किस तरह से देख रहे हैं तिवारी साहब? देखिए, जो मुख्यमंत्री मंत्री और सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश ज्यादा था, उस आक्रोश को शायद भाजपा जो है भांप नहीं पाई, इसके कारण हार हुई है। तो अब उसके आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास तो हर समय खराब रहता है। बात यह है कि आप जो है जनता से कितने जुड़े थे, जनता की आपकी नीतियों में कैसे आपने उसका पालन किया। अगर आप 15 साल की इतिहास भाजपा के देखेंगे तो भाजपा ने रणनीति के तहत चुनाव जीता है ज्यादा। दो के झगड़े में तीसरे का फायदा, इसका फायदा भाजपा को ज्यादा हुआ है। अगर जोगी जी नहीं आते, विद्याचरण नहीं आते, कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो शायद ये 15 साल का कार्यकाल भी नहीं मिल पाता। बड़ा कारण एक। दूसरा बड़ा कारण है मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी, वही चेहरे, दूसरी बात भ्रष्टाचार, तीसरी बात, चौथी बात जो जन भावना, जैसा भूपेश बघेल जी जो धान को लेकर मुद्दा है, धान अस्मिता का मुद्दा है, धान की जो कटोरा है वो किसानों को क्या मिल रहा था, नव निर्माण और निर्माण से जो है वो चंद 500 लोगों को फायदा हो रहा था, 1000 लोगों को फायदा हो रहा था। तो इस तरह की जो नीति बननी थी, जैसा रमन सिंह ने पहले गरीबों को चावल दिया, चाउर वाले बाबा कहलाए, उस तरह की नीतियां आनी चाहिए था, शायद वो नीतियां रुक गई थी, इसलिए नाराजगी आम जनता की बीच बढ़ी और हार हुआ। एक और कारण था
कि भाजपा के कार्यकर्ता खुद उपेक्षित थे, उनके काम खुद नहीं हो रहे थे। तो भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरह से चुप रहते हैं, शांत रहते हैं बेचारे, वो बोल नहीं पाते, उन कार्यकर्ताओं का बेहद शोषण हुआ, वो चीज रहा। तीसरी बात यह भी कि सेकंड लाइनर आपने नहीं खड़ा किया। कुछ जो मठाधीश जो पिछले 25 सालों से राज कर रहे हैं भाजपा में, वही वही चेहरे हर चीज में दिख रहे हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, नए लोग काम नहीं कर, इसलिए काम किए नहीं। तो कई ऐसे कारण थे, खुद आरएसएस है, उन आरएसएस की बात नहीं सुनी गई। क्या ये गोबर योजना जो भूपेश बघेल ने लागू की, इसके पहले आरएसएस ने कहा रमन सिंह सरकार में कि आप ये लागू कर दीजिए, उन्होंने धरना तक दिया आरएसएस ने, तब वो पालन नहीं हुआ। तो ऐसे कई चीजें थी, वो सबको मिलाकर इस तरह बुरी हार हुई है। बिल्कुल देवलाल जी, अति विश्वास, अति आत्मविश्वास का पता चल गया आपको, ऐसा मैंने सुना जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी। इतने बुद्धिजीवी माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, आप खुद ही कहते हैं कि हमारी पार्टी बुद्धिजीवियों की पार्टी है, पहले पता नहीं चल पाया, चार साल बीत गया, और क्या विश्वास है देवलाल जी की 2023 में भी अति आत्मविश्वास नहीं पालेगी पार्टी? देवलाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह संजीवनी दे दिया गया है कि मैदान में उतर कर सेवा के क्षेत्र में कार्य करें। अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन में उतर कर कार्य करने के लिए प्रेरित एवं संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की जो सरकार आई है, अभी जो बात चल रही थी कि किस कारण से हार हुई, 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, अधोसंरचना के विकास के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी अनेकों सारे कार्य किए, लेकिन कहीं ना कहीं इस छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस ने लोक लुभावने जो वादे किए, जिन वादों को ये पूरा भी नहीं कर पाए, उन वादों के कारण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन इस चार साल में छत्तीसगढ़ के चार हाल करके छोड़ दिए हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता जवाब देगी। जिस प्रकार से आज अनियमित कर्मचारी नियमित कर्मचारी, आत्मविश्वास नहीं था देवलाल जी, धरना दे रहे हैं, मंत्रियों का पैर जमीन में नहीं था, कार्यकर्ता जिस दिन सरकार गई उस दिन कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई, ये एक कारण नहीं था सरकार जाने का देवलाल जी, बहुत सारे कारण थे, मंत्रियों का पैर जमीन में नहीं था, कार्यकर्ता खुश नहीं थे, सरकार गई तो कई कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर यह कहना था बहुत अच्छा हुआ सरकार चली गई। ये एक दिन में तो हुआ नहीं होगा देवलाल जी, कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास इसका बड़ा कारण था, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल रहे हैं सोच समझ के ही बोल रहे होंगे देवलाल जी। जी आप ठीक कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो सोच समझ कर ही बोल रहे हैं, और एक कार्यकर्ताओं को नई दिशा दे रहे हैं, आपको किस दिशा में जाना है वो चीजें तय कर रहे हैं, और हार के निश्चित ही कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है, और आने वाले समय में इसका प्रतिफल भी दिखेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है धनंजय जी, बीजेपी ने तो ढूंढ लिया है कि 2018 में उनकी हार क्यों हुई थी, मतलब साफ है बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, आपके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है, क्योंकि बीजेपी चलिए मान तो रही कि अति आत्मविश्वास के कारण हारे, ये इलाज ढूंढना कांग्रेस के लिए दिक्कत तो नहीं करेगा धनंजय जी? देखिए आदित्य जी, जो भाजपा की कार्य समिति की बैठक में श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिए और जिसे ये मंत्र बता रहे ना, वही मंत्र रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में डॉक्टर रमन सिंह जी भी दिए थे। क्या बोले थे आपको पता है ना, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दे तो वो 30 साल तक छत्तीसगढ़ को लूट सकते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या कहा भी कि 400 दिन बाकी है लोकसभा के चुनाव में और भाजपा के लोग सेवा करने जुट जाए, मतलब भाई 8 साल में ये जनता की सेवा नहीं कर रहे थे, अति तो यही है ना, अगर ये काम किए होते तो इनको इस प्रकार की बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये स्पष्ट शब्दों में 400 दिन बाकी है तो भाजपा के नेता जनता की सेवा में जुट जाए, मतलब अभी तक जो जनता से जो लूटपाट हो रहा था, जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था,
देश की जो संपत्तियों को बेचा जा रहा था, बैंकों को जो बेचा जा रहा था, और कुछ डिफाल्टरों को पैसा लेके जो देश के बाहर भेजा जा रहा था, ये अतीत तो है ना। जनता ने आपको इस देश के भलाई के लिए चुना है, जैसे रमन सिंह को चुना था। रमन सिंह जी भी वादा किए थे ना कि वो उनकी सरकार बनती है तो 12वीं पास युवाओं को 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे, आदिवासी समाज को, आदिवासी परिवार को एक एक गाय देंगे और उनको एक सरकारी नौकरी देंगे, और यहाँ के जो किसान हैं उनको 2100 रुपए धान की कीमत 300 पौने देंगे। ये रमन सरकार ने वादा किया था, 15 साल में वादा पूरा नहीं किए, बल्कि स्कूलों को बंद करने का काम किया। और स्कूल के लिए बच्चे जब विकास यात्रा के दौरान रमन सिंह जी बतौर मुख्यमंत्री निकले थे और बच्चे जब स्कूल के लिए सुविधा मांग रहे थे ना, तो रमन सिंह उस पर लाठियां चलवा रहे थे। धमतरी की घटना सबको याद है, किसान जलाशय से पानी मांग रहे थे ना, जलाशय किसानों का है ना, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए बनवाया था, उन किसानों को लाठियां मार दी, एक किसान की तो उसमें मौत भी हो गई थी। तो ये अति की बात नहीं है, बात है वादा खिलाफी की, बात है जनता को धोखा देने की, बात है जनता के ऊपर अत्याचार करने की। जो हश्र 2018 में रमन सिंह की सरकार का छत्तीसगढ़ में हुआ, 2024 में वही हश्र भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी होगी। ये तो अति की है ना, अति का तात्पर्य अत्याचार से है। आप जनता को अगर नासमझ समझते हैं, जनता अगर मौन है, उसको अगर डरपोक समझते हैं, डराते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता उसे जवाब देती है। 18 का परिणाम 2024 में केंद्र में दिखेगा, मोदी सरकार की विदाई वहां तय है। ठीक तिवारी साहब, 2023 को लेकर अति आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की बात करें, लेकिन राजनीतिक दल जब बात करते हैं, फर्क कैसे पता चलता है, ये कैसे पता चले? क्योंकि हर पार्टी कहती है, कांग्रेस कहती है हम दूसरी बार सत्ता में काबिज होंगे, भारतीय जनता पार्टी अभी से कहने लग गई हम तो क्लीन स्वीप के साथ आएंगे, सरकार के प्रति भारी रोष है, ये फर्क कैसे पता चलता है, आत्मविश्वास कहाँ है और अति क्योंकि आत्मविश्वास को अति आत्मविश्वास में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। तिवारी साहब देखिए, सत्ता में रहते समय अगर जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं होगी तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। और आत्मविश्वास, जब लोग आते हैं सत्ता में रहे तो सब गुड़ी गुड़ी दिखता है और सब वास्तविक बातें बोलते नहीं हैं, तो ये एक धोखा खाते हैं जो अति आत्मविश्वास कि हम आएंगे, हमारी योजना है। योजना के भरोसे अकेले चुनाव नहीं होते, चुनाव समीकरणों के जरिए भी होता है, कई ऐसे कारण होते हैं, तो इसके कारण चुनाव होता है पहला। दूसरा ये कि आप जिस पार्टी से हैं, जो आपने वादा किया है, वो वादा को क्या आप पूरा कर पाए? क्या आम जनता का जो गुड गवर्नेंस की बात होती है, क्या वो हुआ है? उनके वादे पूरे हुए हैं? क्या कार्यकर्ता खुश हैं आपसे? इन सब समीकरणों के आधार पर चुनाव होते हैं। दूसरी बात ये है कि आम जनता ये भी देखती है, जिस जनता को भोली भाली जनता मानते हैं, वो जनता जो ये देखती रहती कि कौन उसके लिए किस तरह काम कर रहा है, उस जीवन में परिवर्तन कैसा है। सत्ता में जो आने का मूल कारण रहता है वो किस तरह की योजनाएं हैं, किस वर्ग की योजनाएं हैं और कैसे उसको फायदा पहुंचा रहे हैं। और सत्ताधीश जो है, सत्ता में आने के बाद मदमस्त तो नहीं हो गए, आम जनता से कटाव तो नहीं हो गया है, ये इसके आधार पर ही तय होते हैं। जी देवलाल जी, ये अति आत्मविश्वास से हारे, इस बार ऐसा क्या है कि अति शब्द हट जाएगा? नए प्रदेश प्रभारी आ गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, नए नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, लेकिन माफ कीजिएगा, कार्यकर्ताओं में जो चार्ज होना चाहिए, जो कार्यकर्ता चार्ज नजर आते थे भारतीय जनता पार्टी के, ये चार्ज नहीं हो पा रहे, क्या तोड़ क्या निकालेंगे इसका? देवलाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चार्ज होकर मैदानों में बूथ में पहुंच गए। अरे जो अति शब्द है ना इस बार कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लोगों ने तो अति कर दी है कि इस समय इस सफेदा वाले मुख्यमंत्री ने इतनी अति कर दी कि आदिवासियों के 32% आरक्षण छीन लिया। 32% आरक्षण छीनने पर ही है, नहीं रुके, अब ये आदिवासियों की संस्कृति को छीनने के लिए हम आता है। आज आप देख लो नारायणपुर की घटना, यहाँ पर ये किसको संरक्षित कर रहे हैं? छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया संस्कृति के अंदर आदिवासियों के संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है। आज किनको संरक्षण के लिए इस प्रदेश में इनसे जैसे कानून को लाया जा रहा है? क्या मतांतरित और धर्मांतरित करने वाले लोगों के लिए संरक्षण करने के लिए इनसे कानून लाया जा रहा है? इस प्रदेश में किसान मर रहे हैं, उनको 5 लाख रुपए मुआवजा देते हैं भूपेश बघेल जी, हाथी से कुचलने से जो मरता है, और प्रदेश में जाके प्रदेशियों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा बांट रहे हैं, ये अति नहीं है? छत्तीसगढ़ के लोग क्या फुगड़ी और गेड़ी और भावरा खेलने के लिए है, जो बाहर से 3-3 लोगों को
बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेज दिए, ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति तो है, लेकिन देवलाल जी फुगड़ी खेलना, गड़ी गेड़ी चढ़ना और आईएएस जैसे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की देवी को अपने साथ में बैठाकर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, ये अति नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके मंत्री अग्रवाल जी जो कोरबा के, उन्होंने भ्रष्टाचार पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की देवी को बैठाकर अपने छत्तीसगढ़ के पैसे को लूट रहे हैं, ये अति नहीं है। इनके ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री गरीबों के घर में आवास न बना का पाने के कारण, राज्य के राज्यांश के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि ये अति कर रहा है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों के साथ अन्याय कर रहा है, क्या ये अति नहीं है? अनुकंपा नियुक्ति के लिए विधवा बहने वहां पर रायपुर में बैठी, उनको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, ये अति नहीं है? ये किसानों की बात करते हैं, आज किसान गर्मी फसल के लिए पानी मांग रहे हैं, क्यों किसानों को पानी नहीं दे रहे? 35,000 किसान आपके इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में विद्युत कनेक्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, क्यों उनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है? क्यों उनको फेंसिंग पोलिंग के लिए जवाब लेते चलते हैं देवलाल जी? इन सब बातों का जवाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा, जिस प्रकार से ये अति कर रहे हैं बिल्कुल, कि आदिवासियों का आरक्षण छीनने के बाद उनकी संस्कृति को छीनने पर भी आमादा है, इस चीज का जवाब इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। ठीक, कि आखिर बिल्कुल मैं जवाब लेता हूँ धनंजय, जवाब दे दीजिए, सवाल बहुत सारे हो गए जी। जी देवलाल जी, मैं जवाब ले लेता हूँ जी। जी धनंजय जी, देखिए अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने अति की बात कही ना, उस अति का पालन या खुद बैठ के भाजपा के प्रवक्ता नहीं कर रहे हैं। रासुका क्या है? इस भारत का संविधान है, इस भारत की व्यवस्था है, उस रासुका को ये अहंकारी लोग मानना नहीं चाहते हैं, मतलब भारत की संविधान का ये विरोध करते हैं, ऐसे अहंकारी लोग को जनता थोड़ी चुने। अरे सुन लीजिए ना, हो गई, सुन लीजिए, अभी आपके नरेंद्र मोदी जी ने समझाया आपको भाई, अरे सुन लीजिए ना, अभी तो आपको समझाया अति नहीं करना है, अभी आपको समझाया, अरे भारत का संविधान का सम्मान करो भाई, भारत के संविधान का सम्मान करो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान है वो, सुन लो ना, तकलीफ शुरू के शांति शांति, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, अभी तो एक ही बात बोला हूँ, आपके पसीने छूट गए की बाल में। दूसरा बात देख रहे हैं इनका अहंकार, हमने तो हमारे हिंदू देवी देवताओं में, सुन लीजिए, सुन लीजिए देवलाल जी, पर्याप्त समय दूंगा आपको जी, जी आपको मैं दूंगा समय दूंगा बिल्कुल, जवाब लेते चलते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं जी। देखिए इनका अहंकार, देखिए दूसरा अहंकार बता रहा हूं, और कैसे हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हमारे देवी देवताओं में दुर्गा माँ होती है, लक्ष्मी मैया होती है, काली मैया होती है, शिक्षा की मैया होती है, जो शिक्षा सरस्वती मैया, गंगा मैया होती है, ये बोलते हैं कि भ्रष्ट देवी। अरे बता दीजिए भैया, हमारी कौन सी देवी भ्रष्ट है जिसको आप भारतीय जनता पार्टी देवी देवताओं को भ्रष्ट करना शुरू कर दी? अरे इतना अहंकार हो गया आपको, इतना अहंकार, ये अहंकार ठीक बात नहीं है, हमारा कोई देवी देवता भ्रष्ट नहीं है, आप अपना अहंकार अपने घर में रखिए, और निवेदन आपसे हमारे देवी देवताओं का अपमान ना करें। सुन लीजिए, मैं कहा ना, अभी मैं दूसरा अटैक मारूंगा, आप तीन मिलाएंगे, मैं पहले कहा अभी दूसरा अटैक मारूंगा, आप तीन मिलाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं दो दो अटैक मारेंगे, पसीने छूट गए। देखे ना अहंकार इनका, इनका यही अहंकार, यही अहंकार में नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में डूबेगी, 8 साल से देश की जनता देख रही है। सुन लीजिए ना, आपका अहंकार अहंकार, अरे हमारे हिंदू देवी देवताओं को भ्रष्ट मत बोलिए भाई, हमारे कोई देवी देवता भ्रष्ट नहीं है, सुन लीजिए, हमारे कोई देवी देवता भ्रष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ भाजपाइयों का अहंकार हिंदू के देवी देवताओं को भ्रष्ट देवी कह रहे हैं, कौन सा देवी है भाई? इतना अहंकार आपका, अरे इतना अहंकार तो रावण का भी अहंकार नहीं टिका, तो देवलाल ठाकुर भाजपा है और नरेंद्र मोदी जी का अहंकार कहाँ टिकेगा? अरे आप समझ गए, मैं तो नहीं बोला भाई, बोला तो आप ही हो, और मैं जब अटैक मारे तो पसीने छूट गए, क्योंकि असुरों शक्तियों के गिरफ्त में भारतीय जनता पार्टी, सुन गए पसीने छूट गए, ये नहीं सुन पाएंगे आदित्य जी, आदित्य जी ये नहीं सुन पाएंगे। देवलाल जी अगर आप दोनों इसी तरह से बोलेंगे तो ना आपकी बात वो सुन पाएंगे, ना उनकी बात आप सुन पाएंगे, दोनों समय जी उनको कह लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा देवलाल जी। जी कंप्लीट करिए, दिखाया ना, एक संविधान विरोधी भाजपा, दूसरा हिंदू के देवी देवताओं की विरोधी भाजपा, बता देना भाई कौन से हमारे देवी भ्रष्ट हैं। जी देवलाल जी जवाब दे दीजिए जी। जी देवलाल जी बोलिए, मैं तो कहा दूंगा जो सोमिया चौरसिया बैठा रखे है भूपेश बघेल, भ्रष्टाचार करे बार तेरे पूरा प्रदेश देखे क्या, वो भ्रष्टाचार के देवी है वो, तेरे वो भूपेश बघेल बैठा रखे, अपन साथ में बैठाई पूरा प्रदेश में भ्रष्टाचार करी,
छत्तीसगढ़ के एक एक आदमी जाना, और छत्तीसगढ़ के आदमी अतेक पर बुधिया नहीं है ठाकुर साहब कि बाहर के आदमी मतलब तीन तीन जन तुम्हें राज्यसभा भेजा तो, और छत्तीसगढ़िया मतलब बेड़ी खेलो फुगड़ी खेलो छोटा खाओ और माल कौन खाई बाहर के आदमी खाई। यह आदमी मतलब हाथी कुछ रहे थे 5 लाख रुपया मुआवजा दे तो तुम्हें, और उत्तर प्रदेश में जा गांधी परिवार में खुश करेगा 50 लाख रुपया मुआवजा दे तो, यह दाऊ की ही नीति है। अति के अंत है, अति कर दे छत्तीसगढ़िया मन के साथ, छत्तीसगढ़िया समाज और जवाब दी और तुम देखा प्रदेश में जो कानून लाओ धर्मांतरण करने वाले मतलब संरक्षित करे बस कि छत्तीसगढ़ वासी मल्ल का मोमबत्ती धराना चाहते तो कर तुम्हें कांग्रेस ही अमल ने बताया कि जरूरत पड़ी कि आखिर काबर है मना ये पाए के कानून लाए कि आदिवासी समाज के आदमी मन अंदर है वो मतलब छोड़ा है कि आदिवासी मन की इसी वाले बात कर दो तुम्हें, आज आदिवासी समाज के आदमी मन अंदर कर दो बैठ में फिर वासू का कानून ला दे। ठीक देवलाल जी मैं जवाब लेता हूँ जी जी धनंजय जी बोलिए। देखिए दो जवाब आपको दे दिया और इनको मैं तीसरा जवाब फिर दे रहा हूं, अभी कुर्सी छोड़ के भागेंगे। ये किस मुंह से आदिवासी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो रमन सिंह मुख्यमंत्री थे आदिवासियों के जमीन को छीनने के लिए ना भू संशोधन विधेयक लाए थे, वही रमन सिंह आरएसएस की सरकार थी जो 15 साल तक पेशा के नियम नहीं बनाए, वही रमन सिंह की सरकार थी। सुन ले अरे सुन लेना शांति से लाए तो पसीना छूटी नहीं मालूम रही से तो बर्दाश्त करने क्षमता नहीं है। मैं आ रहा हूं, वो वही रमन सिंह और आरएसएस सरकार थी जो निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जेल में बंद करने काम किया, और देवलाल ठाकुर जो अपने आप को आदिवासी नेता बोलते हैं ना ये उनके साथ मौन खड़े थे, चाहे वो ननकी राम कंवर हो चाहे नन कुमार साय जी हो चाहे इनके जो भी आदिवासी नेता हो। क्या हुआ था मीना खलको के साथ, आदिवासी बिटिया है बलात्कार की घटनाएं हुई थी जलियांवाला कांड में आदिवासी बच्चों से बलात्कार घटनाएं हुई थी, आपको शर्म नहीं आती आदिवासियों के समय आप बात करते हैं, और अभी भी रमन सिंह और आरएसएस के लोग आदिवासियों के आरक्षण के विरोधी हैं तो अति कटुवंत है। मैंने कहा ना जो 2018 में जो रमन सिंह का अंत हुआ वही 2024 में मोदी सरकार का होगा, क्योंकि वो भी 8 साल के देश जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना करें देवलाल ठाकुर, आप ये बात को समझ लीजिएगा, राजनीति कुछ भी बोलिए हमारे देवी देवताओं को भ्रष्टा बोलते हैं, इतना अहंकार आपके ऊपर में। जी देवलाल जी एक बात ना घुमा मार के हिंदुओं बता दीजिए छत्तीसगढ़ में तुम अरे बता हमारे देवी देवता हिंदू समाज पूरा देख रहे हमारे देवी देवता को भ्रष्ट पूरा हिंदू समाज देख रहे होगा भाजपा के चरित्र को पूरा हिंदू समाज देख रहा है भाजपा के प्रवक्ता के चरित्र को जो हिंदू देवी देवताओं का पान स्टीवन बैठ कर कर रहे हैं। अरे आप हमारे देवी देवताओं को भ्रष्ट बोलने वाले होते कौन है आप होते कौन हमारे देवी देवताओं को भ्रष्ट से जुड़ा करने के वाले आप इतना अहंकार रावण का अहंकार नहीं चला तो नरेंद्र मोदी सरकार का अहंकार कहाँ टिकेगा आरएसएस भाजपा का अहंकार कहाँ टिकेगा हमारे देवी देवता का अपमान करोगे हमारे देवी देवता का अपमान करोगे होते कौन है कौन होगी भाजपा हिंदुओं का देवी देवताओं का भ्रष्ट से जुड़ा करने वाले कौन है भाजपा कौन है उनकी भाजपा बोलने वाले लोग पूरा देश देख रहे हैं भाजपा के चरित्र को। हमारे यहाँ दुर्गा देवी होती है हमारे यहाँ लक्ष्मी देवी होती है हमारे यहाँ सरस्वती माता होती है हमारे यहाँ गंगा माता होती है ये भ्रष्ट देवी क्या है बताओ नहीं तो ये माफी मांगो अरुण साह जी के माफी मांगना पड़ेगा आपके इस कृत्य के लिए अरुण साह जी को माफी मांगना पड़ेगा आपके इस कृत्य के लिए आपने हिंदुओं के देवी देवताओं को भ्रष्ट कहा है आत्मविश्वास से बचना चाहिए। तिवारी साहब देखिए आत्मविश्वास होनी चाहिए, आत्मविश्वास कार्यकर्ताओं में भरिए, जनता को संदेश भी दीजिए मगर हकीकत को समझते रहिए, जनता से जुड़ाव हो, जनता के करीब पहुंचे, चुनाव के समय ही सेवा करने ना जाएं, पूरे 5 साल अगर आप सेवा करेंगे तो कोई आपको नहीं हटा पाएगा। आप भावनात्मक तरीके से वोट चाहते हैं, आप रणनीति के तहत वोट चाहते हैं, आप काम करिए, प्रजातंत्र में काम की जरूरत है, अगर काम करेंगे तो आपका आत्मविश्वास ज्यादा संबल रहेगा और ज्यादा अच्छे से आप काम कर पाएंगे। और अगर ऊपरी हवा में काम करते हैं नेताओं के ज्यादातर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े कार्यक्रमों में और रणनीतियों के भरोसे अगर चुनाव जीतना चाहते हैं
तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और जनता का विश्वास जो है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होते जाता है, क्योंकि आप उसके मन की बात नहीं बोल रहे हैं, उसकी समस्या क्या है उससे अनदेखी कर रहे हैं, तभी आपका आत्मविश्वास और आपकी रणनीति फेल हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन जब आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है तो जनता का जो विश्वास है वो आप पर कमजोर पड़ता जाता है और जनता का विश्वास लगातार कम होता जाता है। तो देखिए विश्वास रखिए, आत्मविश्वास भी रखिए, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचिए। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।